जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेट चला, तो आप लोग जुड़े आएगा सेशन को लाइक शेयर करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एआरओ हमीरपुर जो कि आपका 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जो कि आपका 1/11/2020 को यह पेपर हुआ था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच आर फॉलोइंग द गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। आपको इसका आंसर करना है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर नाइट्रोजन। विच आर फॉलोइंग द गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? नाइट्रोजन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर दो कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ इज ऊर्जा किसकी इकाई, एसआई इकाई है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो आपको इसका आंसर करना है ऊर्जा किसकी एसआई इकाई है। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जूल करेक्ट आंसर होगा आपका। राइट आंसर होगा जूल आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? टीबिया, फीमर, हंसली या फिर कंधे की हड्डी, या फिर कंधे की हड्डी। करेक्ट आंसर आपका सभी को पता होगा फीमर, जो कि आपकी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? जो कि जांघ में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज, जो कि आपके कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर है कि द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। आपको बताना है छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन है? लखनऊ, रायपुर, रांची, पटना। लखनऊ, रायपुर, रांची या फिर पटना। तो सभी को पता होगा राइट आंसर क्या होगा, रांची, सॉरी आपका रायपुर। रायपुर जो कि कहाँ की, छत्तीसगढ़ की जो कि राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की है। लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की, पटना बिहार की, और आपकी रांची जो कि कहाँ की है, तो झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट ही, और जो कि अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन जो कि आपका सी, गुजरात। अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड इज, जो कहाँ पर है आपका, अक्षरधाम मंदिर जो कि आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ है कि द गैस यूज ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ग्रीन फ्यूचर इन ए ऑप्टिकल हरे फल को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस। हरे जो कि फलों को पकाने के लिए कृत्रिम तरीके से प्रयुक्त कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए? एथिलीन गैस, एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी को पता होगा एसिटिलीन गैस आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 700 वाट, 800 वाट, 750 वाट या फिर 746 वाट। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका, एक HP बराबर 746 वाट। 746 वाट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज द फादर ऑफ रशियन रिवाइलेशन। रूस क्रांति के जनक कौन थे, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? एडोल्फ हिटलर, मैक्स मूलर, लेनिन या फिर जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लेनिन, जो कि क्या थे, रूसी क्रांति के जनक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी डज प्रीमिया इफेक्ट निमोनिया, जो कि निमोनिया जो कि आपको बताना है, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? क्लोम, आंत, लीवर या फिर फेफड़ा। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? सभी को पता होगा फेफड़े को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था?
जो कि आपका किस वर्ष किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन विच ईयर, फॉर्म इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1600 में जो कि किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 की, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किन दो स्टेशनों को जोड़ती है, जो कि आपकी प्रथम बुलेट ट्रेन चली थी वह किन दो स्टेशनों को जिससे के बीच चलती है, तो अहमदाबाद एंड गुजरात, मुंबई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, अहमदाबाद जो कि आपका गुजरात में है एंड मुंबई जो कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 2 साल का, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष का, चाहे आपके उपराष्ट्रपति का पूछे या फिर आपके राष्ट्रपति का, दोनों का कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है, किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है, मैग्नीशियम, सीसा, जिंक या फिर लोहा, किस कमी से एनीमिया रोग होता है, तो राइट आंसर होगा एनीमिया रोग, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है जो कि 16 की, मोहन बागान किस खेल से संबंधित, मोहन बागान इस टीम ऑफ विच स्पोर्ट, किस खेल की टीम से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल, मोहन बागान किस खेल की टीम से संबंधित हैं, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर जो कि आपके 16 का, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल, सॉरी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा फुटबॉल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल से संबंधित हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है, जो कि आपकी सबसे बड़ी जो कि सिंचाई नहर परियोजना जो कि इसका क्या नाम है, शारदा यमुना नहर, सरहंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर ऊपरी दोआब आप नहर, जो कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऊपरी राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको इसका आंसर करना है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठोस है, निम्नलिखित में से कौन ठोस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्ट सॉलिड, आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोफॉर्म, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का 20 है कि वन पीपल वन स्टेट एंड वन लीडर इज वाज द पॉलिसी ऑफ, एक राज्य एक लोग एक नेता की नीति किसकी थी, मुसोलिन की, स्टालिन की, लेनिन की या फिर हिटलर की, या फिर हिटलर की, राइट आंसर बनेगा आपका हिटलर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा संवाहक भी है, संवाहक है सेलुलॉइड, एबेस्ट, अभ्रक या फिर पनपथ, आपका राइट आंसर होगा अभ्रक, माइका आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका है 22 की, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वैल्यू, आयतन का एसआई मात्रक क्या है, आयतन का एसआई मात्रक क्या है, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन इंच या फिर घन डेसीमीटर, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी घन, घन मीटर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि खाद्य आहार का प्रोटीन मुख्य घटक मुख्य रूप के लिए किसके लिए जिम्मेदार है, खाद्य आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है, उस ऊर्जा और विकास केवल ऊर्जा विकास और मरम्मत केवल वृद्धि, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी विकास और मरम्मत दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ग्रेविल ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइंस्टीन ने या फिर फारेनहाइट ने, तो राइट आंसर होगा सभी को पता होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज ने, जो कि क्या किया था कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका यहाँ पे 25 नंबर है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश, राइट आंसर होगा आपका जनसंख्या वाला अगर पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश, अगर जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता तो आपका कौन सा होता, राजस्थान होता, राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका आपको इसका आंसर करना कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, वेयर इज द नेशन म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 कि बच्चों में निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है, सभी को पता होगा ऑप्शन डी सॉरी सी राइट आंसर होगा विटामिन डी की कमी से क्या होता है, जो कि आपका रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका यहाँ पे 28
आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि सार्क के कितने सदस्य देश हैं। आपको इसका जो कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।